गुड इवनिंग पीपल, वेलकम बैक टू द ट्रिंकर क्लब। लेट्स सी कल इंडेक्स किस तरफ मोमेंटम कर सकता है, कल के लिए क्या प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है और कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होंगे। तो बिगिन विद, आज दोनों इंडेक्स में हमने एक मेजर गैप अप ओपनिंग देखा था, बट उसके बाद हमारा आज का व्यू जो था वो साइडवेज टू बुलिश व्यू था। आज लगा था कि एक ट्रेंडिंग डे हमें देखने मिल सकता है, बट अगर वो नहीं होता है तो जैसे कि इससे पहले इंडेक्स में यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद साइडवेज ट्रेड हुआ, सेम यहाँ पर भी रेप्लिकेट होने का काफ़ी ज़्यादा चांस था। एक बार देख लेते हैं कि डिटेल में इसका क्या एनालिसिस होगा। इससे पहले हम थोड़ा सा ग्लोबल क्यों पढ़ने का कोशिश करते हैं। सो ग्लोबल में अगर हम देख रहे हैं तो डाउ जोन्स इज समवेयर ट्रेडिंग एट 0.26% लॉस, बट नैसडैक एंड S&P दे बोथ आर फ्लैट। यूरोप का भी हाल थोड़ा सा ख़राब ही लग रहा है। यूरो स्टॉक्स 50 यहाँ पर 0.75% डाउन लग रहा डाउन है। FTSE विच इज़ इंडेक्स ऑफ ब्रिटेन इंग्लैंड, यहाँ का इंडेक्स जो है फ्लैट ट्रेड हो रहा है, बट DAX दैट इज जर्मन और यहाँ पर नीचे फ्रेंच इंडेक्स, दोनों इंडेक्स नीचे के लेवल पे ही ट्रेड कर रहे हैं। बाकी इसमें कुछ आज खास देखने का है नहीं और ना ही कोई आज ग्लोबल मेजर न्यूज़ आने का कोई चांस है। एक बार देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में क्या हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 18,500 पे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हमें देखने को मिल रहा है और ऊपर की तरफ हमें 18,600 पे यहीं पर हमें हाईएस्ट कॉल साइड का OI भी हमें इधर ही देखने मिल रहा है। सो 18,600 के पास अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो पुट OI भी लगभग उसके आसपास ही है। तो 18,600 का हमें एक स्ट्रैडल मार्केट में देखने मिल रहा है। सो जिस भी तरफ कर मार्केट जा सकता है उस तरफ का एक मोमेंट पकड़ने का पूरा कोशिश कर सकता है। एक बार वापस निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर कल के लिए हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए सिंपल रहेगा। यहाँ पर आज एक हल्का सा मार्केट में नेगेटिविटी देखने मिल रहा है, तो किसी तरीके से ग्लोबल क्यूज कितने पॉजिटिव हो कैसे भी हो हम हायर लेवल पे यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहे। आज भी हमने सुबह की तरफ सुबह एक गैप अप ओपन होते हुए देखा, वहाँ से थोड़ा सा इंडेक्स ऊपर की तरफ जा गया और उसके बाद एग्जैक्टली वहीं पर नीचे की तरफ ये डे लो के पास आज वापस आके इसने यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। सो अगर कल फ्लैट ओपन होता है या फिर हल्का सा गैप अप ओपन होता है या फिर हल्का सा गैप डाउन ओपन होता है, दोनों तरीके में हमें एक यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखने मिल सकता है अंटिल 18,570। एक बार 18,570 क्रॉस कर जाए, एक 15 मिनट्स का कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाए, तो यहाँ पर हमें एक नीचे का थोड़ा सा यहाँ तक मार्केट आते हुए दिख सकता है। सो 18,500 बेसिकली, अगर हम 18,570 को नीचे के लेवल पर ब्रीच करते हैं तो हम 18,500 इंडेक्स पर आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो 18,600 का जो कॉल OI है वो यहाँ पर और ज़्यादा हावी हो जाएगा। जो पुट राइटर्स है वो यहाँ पर अपने जो लॉन्ग है वो अनवाइंड करेंगे और यहाँ से हमें सीधे मार्केट नीचे आते हुए देख सकता है। अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के इसी लेवल पर ट्रेड करता रहा, सो अगर कल इंडेक्स वापस 18,600 के आसपास ही घूमता रहा, तो एक आने वाले टाइम में या फिर कल भी एक हो सकता है कि हमें थोड़ा सा 18,630 के ऊपर एक अपसाइड यहाँ पर हमें देखने मिल सकता है। सो कल हम लॉन्ग तभी जाएंगे जब हम 18,625 टू 18,630 को ब्रीच करके 15 का कैंडल क्लोज कर देता है, तो उसके बाद ही हम यहाँ से ऊपर ऊपर की तरफ का प्लानिंग करेंगे। एक बार हम नीचे इसका लेवल देख लेते हैं कि अगर हम ऊपर की तरफ इधर से निकल जाते तो हमारे लिए अपसाइड का टारगेट जो रहेगा वो अपसाइड टारगेट रहेगा 18,663, 18,690 एंड देन 18,750। बट ऑन द डाउन साइड यहाँ पर सपोर्ट लेवल जो है वो सपोर्ट लेवल यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। सो सपोर्ट इंडेक्स कहीं 18,485 के पास ले सकता है, उसके नीचे अगर निकल जाता है तो यहाँ से 18,430 के आसपास एक मेजर डिमांड जोन रहेगा। सो इसको हम ये जो पुराना सप्लाई जोन था इसको डिमांड जोन कर लेते हैं। सो यहाँ पर आके इंडेक्स में
एक मेजर ऊपर की तरफ का शार्प रिवर्सल हमें देखने मिल सकता है। यहाँ पर एक बाय ऑन डिप का सिनारियो बन सकता है इंडेक्स के लिए। एक बार अब बैंक निफ्टी पे नज़र डाल देते हैं। बैंक निफ्टी को अगर हम देख रहे हैं, बैंक निफ्टी का भी कुछ ऐसा ही था कि आज मेजर गैप अप ओपनिंग हुआ। मेजर गैप अप ओपनिंग होने के बाद हल्का सा ऊपर की तरफ ट्रेड किया। यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हुआ था तो सोचा था कि यहाँ से ऊपर जाने का काफ़ी ज़्यादा चांस लग रहा था इसका। यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता तो एक ट्रेंडिंग डे हो सकता था। यहाँ से हम 44,500 तक का टारगेट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, बट अपेरेंटली यहाँ पर 44,250 के आसपास से ही हमें यहाँ पर एक सप्लाई देखने को मिला है। सो जो ये सप्लाई रहेगा हम इसको आज के लिए मार्क करेंगे, क्योंकि ये कल के दिन भी यही जोन एक्ट करेगा। इसी जोन में मार्केट आके एक सेलिंग प्रेशर का सिनारियो दिखा सकता है। सो ये रहा हमारा सप्लाई जोन कल के लिए। और हम अगर देखते हैं तो अगर इंडेक्स यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है तो जो 44,175 का लेवल है वो भी एक यहाँ पर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस पर जो सपोर्ट लिया था वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे का जो यहाँ पर सपोर्ट है वो तब तक कायम रहेगा जब तक 44,000 का जो लेवल है वो अभी तक ब्रीच ऊपर की तरफ नीचे की तरफ होता नहीं है। सो अगर 44,000 का लेवल नीचे की तरफ ब्रीच होता है तो अगेन वी कैन सी मार्केट कमिंग डाउन अंटिल 43,850 एंड देन 44,700। सो ये अगेन नीचे के साइड पे ये दो हमारे टारगेट रहेंगे, हम इनको भी मार्क कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा नीचे की तरफ का, और सेकेंड टारगेट हमें यहाँ पे 43,700 का टारगेट नीचे की तरफ का रहेगा। बट अगर कल इंडेक्स यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है यहीं पर इस दो लेवल्स के बीच में, सो 44,150 एंड 44,050 इसके बीच में ही ट्रेड करता है, तो इसके बाद एक अगर अपसाइड के लिए मार्केट निकल जाए, अगर यहाँ पर 44,150-170 के ऊपर मार्केट निकल जाए तो यहाँ पर हम हाफ क्वांटिटी में बाइंग का सोच सकते हैं। मैं फुल क्वांटिटी में तभी इंटरेस्टेड रहूँगा जब ये 44,250 या फिर 260 का लेवल यहाँ पर ब्रीच करता है, यहाँ पर एक 15 का कैंडल क्लोज करता है, तभी हम 44,500 का लेवल आते हुए मार्केट में देख सकते हैं। अगर OI के हिसाब से भी देखना होगा तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 44,000 पे अभी भी काफ़ी हद तक कॉल OI काफ़ी है, बट पुट सॉरी यहाँ पर पुट OI काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर हम देखते हैं तो कॉल OI पर भी यहाँ पर थोड़ा सा हमें हावी होते हुए दिख रहा है। सो यहाँ पर शॉर्ट्स बन रहे, समवन इन द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि 44,000 ब्रीच होने का पूरा पूरा चांस है। तो वी विल बी लुकिंग कि एक बार अगर ये 44,000 नीचे के लेवल पे ब्रीच हो जाता है तो फिर यहाँ से नीचे सीधे फिर हमें 43,800 के पास ही यहाँ पर OI के हिसाब से सपोर्ट मिलेगा। 43,900 पे कुछ खास OI है नहीं, तो यहाँ से नीचे की तरफ जाना कुछ ज़्यादा मुश्किल रहना नहीं चाहिए बेयर्स के लिए। विल जस्ट बी लुकिंग टुमारो कि 44,000 कब ब्रीच हो जाता है। वंस इट इज ब्रीच देन वी विल बी क्रिएटिंग आर शॉर्ट पोजिशंस। सो कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, एक बार हम छोटा सा नज़र डाल देते हैं कि एग्जैक्टली कल क्या हो सकता है इसमें भी। सो अगर इसमें देखते हैं हम तो यहाँ पर एक ये शायद एक राइट तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन दिख रहा है। सो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कल मार्केट में थोड़ा सा सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। नीचे की साइड पे फिन निफ्टी में 19,380 के पास एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है, इसी के आसपास आके कहीं तो मार्केट इधर सपोर्ट ले सकता है। बट इनकेस अगर ये डाउन साइड पर अगर ये 19,420 का लेवल नीचे की तरफ ब्रीच हो जाता है तो हमें हल्का सा इसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिख सकता है, विच कैन ड्रैग द इंडेक्स डाउन अंटिल 19,330। बट फॉर द अपसाइड यहाँ पे वी कैन लुक फॉर द 19,500 लेवल। सो वन द 19,500 लेवल इज ब्रीच्ड ऑन द अपसाइड एंड सस्टेन फॉर 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स, यहाँ पे वी कैन लुक फॉर अ लॉन्ग पोजिशन।
अगेन यहाँ पर सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान कल के लिए अगर बायर्स के लिए देखना है तो यही रहेगा कि यहाँ पर अगर इंडेक्स साइडवेज ट्रेड करता है, फर्स्ट हाफ में अगर साइडवेज जाता है एंड उसके बाद में जिस तरफ भी ब्रेकडाउन दे दे या फिर ब्रेकआउट दे दे, उस तरफ का डायरेक्शन हम यहाँ पर कैच करने का कोशिश कर सकते हैं। अगर हम ऑन द अपसाइड के लिए, अगेन द क्रुशियल लेवल विल बी 19,500 एंड द ऑन द डाउन साइड द क्रुशियल लेवल वुड बी 19,420। सो अगर ये दोनों लेवल्स किसी भी तरफ ब्रीच होते तो एक हमें हल्का सा उस डायरेक्शन का थोड़ा सा ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। फॉर द सेलर्स इट्स अ वेरी गुड सिनेरियो। फॉर सेलर्स आई गेस 19,550 एंड ऑन द डाउन साइड 19,300। दीज टू लेवल्स अगर हम सेल करते हैं तो हमें फर्स्ट हाफ तक काफ़ी प्रीमियम डी के मिल सकता है, क्योंकि विक्स वैसे भी थोड़ा सा लोअर साइड पे चल रहा है, तो इसमें प्रीमियम सेकेंड हाफ के बाद तो बचेगा नहीं। तो फर्स्ट हाफ में यहाँ पर एक साइडवेज रेंज बाउंड ही रह सकता है और इसी लेवल के अंदर ये ट्रेड होने का पूरा पूरा चांस भी है फर्स्ट हाफ के लिए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे अगेन। हैव अ गुड नाइट।